हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एलामेंडा प्लांट्स को हमें सीजन शुरू होते ही कैसे केयर लेना चाहिए वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट 2 साल के ऊपर का है या फिर 1 ही साल का क्यों ना हो, जिस पॉट में आपने प्लांट को बैठाया था वो पॉट एकदम रूट से भर गया है, यानी छोटा पॉट में आपने ग्रो किया था प्लांट को, तो वो पॉट को अभी रिपॉटिंग करना चाहिए, दूसरा पॉट देना चाहिए उस प्लांट को। तो वही मैं सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे रूट्स को प्रूनिंग करना चाहिए, कैसे इसका जितना भी ब्रांचेस है वो सबको हमें प्रूनिंग करना चाहिए, और साथ में मिट्टी को चेंज करके एलामेंडा प्लांट्स के लिए हमें परफेक्ट पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करना है, ये सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए, मेरे प्लांट को सिर्फ 2-3 ऐसा पीला पड़ा हुआ पत्ता है, बाकी प्लांट एकदम खाली है, एक भी पत्ता नहीं है, लेकिन नए नए शूट बहुत सारे निकल रहा है हर एक नोड एरिया से, जो कि आप लोगों ने देखा है। तो फ्रेंड्स, मेरे ये प्लांट भी 1 साल का ही है, लेकिन मैंने छोटा पॉट में बैठाया था, मतलब 9 इंच जैसा पॉट है ये वाला पॉट, 9-10 इंच का, फिर भी एकदम पॉट भर गया है रूट से। तो इसको रिपोर्टिंग भी हम करेंगे, और देखिए इसको प्रूनिंग भी हमें करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है अभी। तो देखिए, ऐसा नोड एरिया के ऊपर में आपको प्रूनिंग करना चाहिए, यानी काट देना चाहिए, और 4-5 फीट ऊपर में आप काट सकते हैं। मैंने भी 4.5 से लेकर 5 फीट जैसा ही हुआ होगा ऐसा ऊपर में मैंने काट दिया है, और आप चाहे तो 2 फीट के ऊपर में भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये सेमी वाइन टाइप का ही एलामेंडा है, तो इसलिए आपको थोड़ा हाइट में ही इसको प्रूनिंग करना चाहिए। तो देखिए, मैंने इस तरह इसको प्रूनिंग कर दिया है, तो 4 से 4.5 फीट जैसा हो गया है इसका हाइट अभी, तो बहुत सारे शूट अभी जल्दी जल्दी निकल जाएंगे हर एक नोड एरिया से। और काटने के बाद जहाँ जहाँ पे आपने काटा है हर एक जगह पे ऐसा करके फंगिसाइड पाउडर को लिक्विड बना के आपको लगा देना है। आपके पास अवेलेबल नहीं होने से आप टर्मरिक पाउडर को ही लिक्विड बना के लगा दीजिएगा। और उसके बाद देखिए, प्लांट को हमें पॉट से निकालना है, ऐसे करके नीचे करके आप प्लांट को बहुत ही ईजिली पॉट से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, रूट बाउंड हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए, तो ऐसा इसका रूट हो गया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी मैं इसको अभी बड़ा पॉट दूंगी, इसीलिए मैं इसको प्रूनिंग रूट्स को भी, मतलब इसका जो रूट्स है वो सबको भी मैं प्रूनिंग करूंगी। तो देखिए, ऐसा जो भी प्लांट में वीड्स वगैरह ग्रो हुआ है सबको आपको प्लांट से हटा देना चाहिए। और मेरा वो तो ग्लैडियोलस का कुछ छोटे छोटे बाल्ब उधर गिरा था शायद, और इसीलिए ये सब हो गया है अपने आप। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके मेन जो प्लांट है वहाँ से 2 इंच के दूरी में आपको काटना है, और आपके प्लांट और पॉट के हिसाब से आपको करना है। अगर आपका प्लांट पहले से ही 12 इंच या फिर 14 इंच के पॉट में है, तब तो फिर 3 इंच के दूरी में भी आपको काटना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे करके आपको जो रूट्स है वो सबको प्रूनिंग करना चाहिए। आप नहीं प्रूनिंग करना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही जो रूट्स है उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, लेकिन जो पॉट में था उस पॉट से 2-3 इंच बड़ा साइज का पॉट में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया है, इसको एकदम अच्छे से हमने प्रूनिंग कर लिया है। ऐसे एलामेंडा को हर साल प्रूनिंग नहीं करने से भी हो जाता है, क्योंकि ये एक वाइन प्लांट है, लेकिन आपको बड़ा पॉट में ही इसको ग्रो करना चाहिए। तो हमने एकदम अच्छे से इसको प्रूनिंग कर लिया है रूट्स को। तो देखिए, इसके लिए ऐसा मैंने 12 इंच का एक बड़ा साइज का पॉट ले लिया, जिसमें देखिए बहुत सारे होल्स मैंने बना लिया है, और हर एक होल के ऊपर, यानी जो छेद हमने किया है उसके ऊपर ऐसा बड़ा टाइप का कुछ पत्थर आपको रखना है हर एक छेद के ऊपर, और उसके बाद ऐसे करके छोटे छोटे पत्थर आप रख दीजिएगा, फिर उसके ऊपर जो सैंड है कंस्ट्रक्शन साइट में हमारा यूज़ होता है, ऐसा टाइप का सैंड आप दे दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा। और देखिए, अच्छा सा पॉटिंग मिक्स जो हमने एलामेंडा के लिए लिया है, यह है गार्डन फ्रेश सॉइल, एकदम सूखा के हमने ले लिया 4 पार्ट, और यह है कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल होता है वही आप ले लीजिएगा 3 पार्ट, और मैंने फार्मी कंपोस्ट ही ले लिया है। और यह है सैंड, आप रिवर सैंड लेने से बहुत ही अच्छा रहेंगे, और मैंने कंस्ट्रक्शन साइट में जो यूज़ होता है वही सैंड मैंने ले लिया 2 पार्ट, आप 2 से 3 पार्ट भी ले सकते हैं ज़्यादा क्ले मिट्टी होने से। और यह है कोकोपीट, इसके बदल में आप कुछ भी ले सकते हैं, राइस हस्क या फिर सॉडस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन उसको मिलाना ज़रूरी होता है समर प्लांट्स में, वो 1 पार्ट आपको लेना है। और उसके बाद यह है नीम केक पाउडर, ये आपको 1 मुट्ठी मिलाना है ऐसा 12 इंच के पॉट के लिए,
और एक मुट्ठी आपको बोन मील मिलाना है। अगर आपके पास बोन मील अवेलेबल नहीं होता है तो फिर आप सुपर फॉस्फेट आधा मुट्ठी मिलाइएगा, हो जाएगा। और ये हॉर्न डस्ट भी मैंने मिला दिया है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर मिलाइएगा एक मुट्ठी। और उसके साथ यह है फंगिसाइड पाउडर, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमने बहुत सारे रूट्स को काटे हैं, तो इसलिए ऐसा फंगिसाइड पाउडर आप ज़रूर मिलाइएगा एक टीस्पून जैसा। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप टर्मरिक पाउडर ही मिला दीजिएगा, फिर भी अच्छा ही रहेगा। तो अभी सबको देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है, अभी हमें इसको रिपोटिंग करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मतलब कोई नया प्लांट है, आप नर्सरी से कोई भी नया प्लांट परचेस किया है, तो वो प्लांट को भी आप बिल्कुल ऐसे करके यही पॉटिंग मिक्स के साथ ग्रो कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने अच्छे से एकदम उसको प्रूनिंग किया है, तो इसीलिए एकदम जो इसके लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स होता है वही हमने बना लिया है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके पहले मिट्टी भराइएगा, फिर उसके ऊपर बीच में ये प्लांट को आपको रखना है और मिट्टी को हल्का हाथों से आपको दबा दबा के ही भराना है। और फ्रेंड्स, ये वाइन प्लांट है तो इसीलिए हमें सहारा देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी समय आप उस स्टिक लगा दीजिएगा, उस हिसाब से कम एक तो आपको लगा देना ही पड़ेगा। तो देखिए ऐसे करके साइड से मिट्टी दे के हाथ से दबा दबा के भरा दीजिएगा, और जब भराना हो जाएंगे हम पानी दे देंगे प्लांट्स में। और उसके बाद ये प्लांट को आपको सेमी शेडेड एरिया में 6-7 दिन के लिए रखना है, जहाँ पे सन के थोड़ा बहुत धूप आते हैं ऐसी जगह पे भी आप रख सकते हैं, या फिर सुबह का 2-3 घंटे का धूप मिलने से भी कोई बात नहीं है, वैसा जगह पे भी आप ये प्लांट को रख सकते हैं। तो 6-7 दिन के बाद आपको ये प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, और जब ये प्लांट का ग्रोथ थोड़ा बहुत शुरू हो जाएंगे, जो शूट है निकालना शुरू हो जाएंगे, उस समय से आपको ये प्लांट को अच्छे से पानी भी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। और ऐसे आपको अभी ज़्यादा पानी देने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देखिए इतना मिट्टी बच गया है। और जो पानी मैं बोल रही थी, तो पानी अभी कम करके देना है क्योंकि हमने सारे रूट्स को काट दिया है, तो इसलिए रूट्स अभी तो उस हिसाब से हमें बहुत ही कम मात्रा में अभी पानी देना है, जितना दिन तक इसका ग्रोथ अच्छे से शुरू नहीं हुआ है। ऐसे तो ये प्लांट को हमें हर वक्त तो मॉइस्ट रखना है, लेकिन इस समय आप थोड़ा कम करके ही पानी दे दीजिएगा, और ऊपर का मिट्टी सूख जाने के बाद ही आपको दोबारा पानी देना है। और फ्रेंड्स, ऐसे भी रिपोर्टिंग करने के बाद भी आपको इतना भी ज़्यादा नहीं पानी देना है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स भी डाल दिया है, तो वो फर्टिलाइजर्स तुरंत ही बाहर ना निकल जाए, इसलिए आपको मतलब एक मेजरिंग के हिसाब से ही पानी देना है, ताकि सारा मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट हो जाए, उस हिसाब से आपको पानी देना है। तो ये हो गया एकदम कंप्लीट केयर, और उसके बाद 21 डेज़ के बाद से आप फर्टिलाइज करना शुरू कीजिएगा, जैसा फर्टिलाइजर्स मैंने कंप्लीट केयर वाला वीडियो में शेयर किया है, वही सारे फर्टिलाइजर्स देना शुरू कीजिएगा, तो आपका प्लांट आपको बहुत सारे फूल देंगे। और वो कंप्लीट केयर वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस हिसाब से केयर कीजिएगा। और फंगिसाइड का इस्तेमाल अभी स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के आप अभी हर 10 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा, कोई भी फंगस तो अपने ही लगेगा। और मैंने देखिए 4-5 फीट हाइट में काट दिया है, आप चाहे तो जैसे मैंने बोला ही कि 2 फीट के हाइट में भी आप काट सकते थे ऐसा साइज में। तो ये हो गया एलामेंडा प्लांट्स का फेब्रुअरी मार्च महीने का कंप्लीट केयर, ये काम आप जरूर कीजिएगा मार्च महीने के अंदर। और उसके बाद अगर आपका प्लांट का रूट पाउंड इतना नहीं हुआ है, तो वो प्लांट का चारों तरफ से आप मिट्टी खोद के नया मिट्टी डालिएगा, साथ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट डालिएगा, और साथ में मस्टर्ड केक पाउडर, नीम केक पाउडर, बोन मील और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने से ये सब आप अच्छे से मिला के एक मुट्ठी जैसा डाल दीजिएगा, और साथ में कॉम्पोस्ट 2-3 मुट्ठी आप डालिएगा पॉट के साइज़ के हिसाब से। तो ऐसे करके भी आप मिट्टी को इस समय ज़रूर फर्टाइल कीजिएगा, तो आपका प्लांट जो है वो समर्स में आपको बहुत सारे फूल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कंप्लीट केयर एलामंदा प्लांट का, जो कि फेब्रुअरी मार्च महीने का यानी सीजन शुरू होने का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।